भदोही जनपद के प्रमुख व्यापारी के सूर्यावा नगर पंचायत इलाके के नेतानगर रेलवे क्रॉसिंग पर इन दिनों भीषण के जाम के हालात बन रहे हैं। तपती धूप में फंसकर लोग हलकान हो रहे हैं, यहां तक कि मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस भी जाम में फंस जा रही है। ऐसे में अगर इलाज समय से नहीं मिल पाए तो एम्बुलेंस में मौजूद मरीज की जान जा सकती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आज गुरुवार का दिन है। सूर्यावा रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर भदोही दुर्गागंज रोड पर मुख्य मार्ग पर नेतानगर रेलवे क्रॉसिंग पर जाम लगा हुआ है। यहां सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। हैरान की बात यह है कि भीषण जाम में एम्बुलेंस में फंसी हुई है। एम्बुलेंस लगातार अपना सायरन बजा रही है, लोगों को तितर बितर करने की इशारा कर रही है, लेकिन जाम में फंसकर लोग हड़ताल हो रहे हैं। ना तो ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था है, ना तो स्थानीय पुलिस की कोई व्यवस्था है। आलम यह है, सूर्यावा जिले का एक प्रमुख व्यापारी केंद्र है, यहां से रोजाना लाखों का व्यापार होता है, लेकिन यहां रेलवे स्टेशन है, थाना है, स्कूल कॉलेज सहित तमाम छोटे बड़े हॉस्पिटल हैं। सूर्यावा बाजार एक बड़ा व्यापारिक केंद्र जनपद का है, लेकिन सूर्यावा रेलवे क्रॉसिंग के नेतानगर रेलवे क्रॉसिंग पर रोजाना लगने वाले जाम से लोगों को जाम से निजात नहीं मिल पा रही है। स्थानीय व्यापारियों द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि इस जगह पर रेलवे ओवर ब्रिज बना दिया जाए जिससे लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सके, लेकिन आला अधिकारियों के खाऊ कमाऊ नीत और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते जनपद के विकास का ग्राफ नहीं बढ़ पा रहा है।